Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Good morning and welcome to yet another episode of Tech Stuff. शुरू करते हैं. टारगेट नहीं रीच कर रहे हो तुम लोग. क्या है? 5 मिनट में 500 आज. चलो पहले दबाओ फिर आगे बढ़ना. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज के लिए स्टार्ट करते हैं Realme के साथ एंड खत्म भी हो सकता है Realme के साथ ही करें. बट यस, Realme लॉन्च करने वाले अपनी Narzo 20 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स. ये तो चलो आएगी ही आएगी और उसमें आपको मैं बता चुका हूं Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन में मिलेगी 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग. बट अब Realme का एक और स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, उसमें भी हमें 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग मिलेगी. एंड सीरियसली, Realme इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब हियर. एंड यस, आई हैव टू गिव इट टू Realme. 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग अभी तक बहुत महंगे स्मार्टफोन्स में होती थी. ये 16-17 हज़ार के स्मार्टफोन्स में मिल रही है. और ये जो अपकमिंग स्मार्टफोन होगा Realme का, ये एक 5G स्मार्टफोन होगा. अभी के लिए पता नहीं कि ये Realme X3 Pro होगा या Realme की कोई और सीरीज का स्मार्टफोन होगा. बट यस, Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन के बाद एक और Realme का स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग मिलेगी. TUV Rainland सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे ये स्मार्टफोन सर्टिफाई हो चुका है. और आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ. एंड Realme ने ऑलरेडी कुछ टीवीज इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं. Realme का 55 इंचेस वाला टीवी भी लॉन्च होने वाला है. बट अब ऐसा लग रहा है कि Realme नए स्मार्ट टीवीज इंडिया में लॉन्च करने वाला है जो कि 32 इंचेस से स्टार्ट होंगे. आगे बहुत सारे अलग अलग टीवीज होंगे. इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे Realme के नए स्मार्ट टीवीज अब सर्टिफाई हो चुके हैं. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं BIS सर्टिफिकेशन Realme के अपकमिंग स्मार्ट टीवीज की. आगे बढ़ते हैं Sony की तरफ. एंड Sony ने फाइनली अपने Sony WH-1000XM4 टेक्स्ट, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इनके मॉडल नंबर का, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स हैं ये. स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूं, ये लॉन्च कर दिए इंडिया में. इनकी प्राइसिंग है 29,990 रुपीज. ऑडियो फाइल्स के लिए है, सबके लिए नहीं है. अच्छे खासे महंगे हेडफोन्स हैं. इनकी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. आगे बढ़ते हैं Infinix की तरफ. एंड Infinix अपना Infinix Hot 10 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है अभी के लिए पाकिस्तान में. 21 सितंबर को ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा. इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा एक MediaTek Helio G70 प्रोसेसर, 6.78 एक अच्छी खासी बड़ी Infinity O डिस्प्ले मिलेगी आपको. रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 16 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा. प्राइमरी रियर कैमरा 5200 mAh आपको यहां पे मिलेगी. बैटरी अच्छा खासा स्मार्टफोन है. स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द Infinix Hot 10 स्मार्टफोन लुक्स लाइक. आगे बढ़ते हैं Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की तरफ. एंड Redmi जल्दी ही लॉन्च करने वाला है अपने Redmi TV A. Redmi Smart TV A एक नई सीरीज होगी, इसके बारे में आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था. अब ये टीवी चाइना में जल्दी लॉन्च होने वाले. बट राइट अहेड ऑफ लॉन्च, इस सीरीज के सारे टीवीज 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुके हैं. मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे 3C सर्टिफिकेशन Redmi के अपकमिंग Redmi Smart TV A सीरीज के टेलीविजन की. और 3C सर्टिफिकेशन की बात करें तो Xiaomi का एक नया राउटर, Xiaomi राउटर 4A गीगा वर्जन, ये एक नया गीगा वर्जन है. ये Xiaomi के जो बहुत सारे राउटर्स वगैरह ऑलरेडी लॉन्च हुए हैं उनका, और ये भी 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है. आगे बढ़ते हैं गूगल की तरफ. एंड गूगल के दो नए प्रोडक्ट्स जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, गूगल होम हब और गूगल इंटरैक्टिव वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइस. ये ऑफ कोर्स एक इंटरैक्टिव वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइस होगा. दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुके हैं. आगे बढ़ते हैं नोकिया की तरफ. एंड बहुत सारी सर्टिफिकेशंस आई हैं, आपको बताना जरूरी है बिकॉज ये प्रोडक्ट्स आपको फ्यूचर में एक दो महीने में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो नोकिया के बहुत सारे अलग अलग स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च होने वाले हैं. ये EEC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे अब सर्टिफाई हो चुके हैं. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं नोकिया के बहुत सारे अलग अलग मॉडल नंबर्स हैं. अब ये कौन से स्मार्टफोन्स होंगे ये तो टाइम बताएगा. बट यस, नोकिया के ये सारे स्मार्टफोन्स आपको आने वाले एक दो महीने में देखने को मिलने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं पेटीएम की तरफ. एंड पेटीएम कुछ टाइम के लिए इंडिया में बैन हुआ, फिर अनबैन होकर वापस गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है. बहुत सारे इसके सराउंडिंग न्यूज वगैरह हुई, ब्रेकिंग न्यूज किया, पेटीएम ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को वायलेट किया था इसलिए उसको हटा दिया गया. बट उसके बाद जब पेटीएम वापस आया तो उसका इंटरफेस एक नया रीवैम्प ओवरहॉल होके आया. और अगर आपको टेंशन होगी थी कि मेरा पेटीएम में पैसा पड़ा था कहां जाएगा ये वो है, अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए. पेटीएम इज इंटैक्ट और गूगल प्ले स्टोर पे इट्स रिटर्न्ड. मे बी आपके स्मार्टफोन्स में अपडेट आ चुका होगा. अब ये जो नया इंटरफेस है, अच्छा आपको लगे बुरे लगे वो तो बात की बात है, बट यस अब आप अपडेट करके इस नए इंटरफेस को एंजॉय कर सकते हैं. और रिटर्न्स की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड रिटर्न्स पबजी मोबाइल. ऑफ कोर्स बातें चल रही हैं कि पबजी मोबाइल माइट गेट अनबैंड वेरी सून. और अब एक नई रिपोर्ट निकल के आई है कि रिलायंस जियो इज टॉकिंग विद पबजी कॉरपोरेशन एंड जल्दी ही हमें पबजी मोबाइल वापस इंडिया में देखने को मिल सकती है. अगर रिलायंस जियो की बैकिंग होगी पबजी मोबाइल के पास तो यस, आई थिंक PUBG रिटर्न कर सकता है. क्या लगता है आपको वैसे, क्या PUBG मोबाइल इंडिया में अपना कमबैक कर पाएगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं.
आगे बढ़ते हैं Amazfit की तरफ एंड Amazfit जल्दी ही लॉन्च करने वाला है अपनी Amazfit GTR 2 और Amazfit GTS 2। Amazfit GTR 2 में अब कंफर्म हो चुका है कि इसमें आपको मिलेगा Xiaomi का Xiao AI, एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है Xiaomi के स्मार्टफोन्स में चाइना में मिलता है। ये वर्चुअल असिस्टेंट हमें Amazfit GTR 2 में भी देखने को मिलेगा। अब इंडिया में जब GTR 2 लॉन्च होगी तो ये Xiao AI तो नहीं आएगा। वी कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट कि गूगल का असिस्टेंट हमें Amazfit GTR 2 में देखने को मिलने वाला है। हो सकता है अभी के लिए GTS या GTR या Amazfit की जो मैंने पहन रखी है T-Rex, इनमें कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह ऐसा नहीं है। सो इनके जो सक्सेसर्स आने वाले हैं उनमें वर्चुअल असिस्टेंट होगा। मे बी ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज हो सकती है, आप बेटर तरीके से अपनी स्मार्ट वॉच को कंट्रोल कर पाएंगे। और Amazfit की बातें चल रही हैं तो बातों में बता देता हूं आपको मैं, Amazfit Neo जो कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी यूरोपियन कंट्रीज में, ये भी इंडिया में लॉन्च होने वाली है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर अब ज्यादा दूर नहीं रह गया और इसकी कंफर्मेशन दी है खुद हनी सिंह ने। वो बोले हनी सिंह नहीं, एक और हमारी टेक कम्युनिटी में भी हनी सिंह जी हैं, बहुत अच्छे दोस्त था मेरे, हमारे 100K पे उन्होंने केक भी भेजा था। सो आई जेन्युइनली लाइक द पर्सन लॉट एंड उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये चीज बोल दी है बिकॉज ही हैंडल्स Amazfit। उन्होंने बोल दिया कि 1 अक्टूबर को Amazfit की नियो जो वॉच है इंडिया में लॉन्च होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसी वॉचेज में तो आपको 1 अक्टूबर को ये स्मार्ट वॉच जो है इंडिया में देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द Amazfit नियो स्मार्ट वॉच लुक्स लाइक। आगे बढ़ते हैं रॉयल की तरफ है ना, आपको मैंने कल शाम की टेक्स्ट में बताया था कि रॉयल FlexPi 2 फोल्डेबल स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। एंड राइट अहेड द लॉन्च रॉयल FlexPi 2 टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है। Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर, 256GB या फिर 512GB, दो अलग अलग आपको मिलेंगे मेमोरी ऑप्शंस, 8GB रैम एक ही रैम ऑप्शन है, 4450mAh बैटरी, साथ में आपको मिलेंगे चार कैमरा 64+16+8+8, ये क्वाड रियर कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। और ये जो स्मार्टफोन है फोल्डेबल स्मार्टफोन दिखता कैसा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ है, Realme के दो नए स्मार्टफोन्स चाइना में जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। इनके मॉडल नंबर होंगे RMX2116 और RMX2117। मॉडल नंबर्स बिल्कुल पास पास हैं, इससे लग रहा है कि ये एक ही सीरीज के स्मार्टफोन्स हो सकते हैं। RMX2116 जो है एक 5G स्मार्टफोन होगा, दोनों ही 5G होंगे, बट RMX ये जो 2116 है इसके बारे में अभी इतना ही पता चल पाया बिकॉज ये MIRT सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है। RMX2117 ऑन दी अदर हैंड मैंने कुछ टाइम पहले बताया था MIRT पे आया था, बट अब ये टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी सर्टिफाई हो चुका है। और टेना ने क्लियर कर दिया कि स्मार्टफोन में हमें मिलेगा 5G, 6.5 इंच की डिस्प्ले और 4900mAh बैटरी। अब ये कौन से स्मार्टफोन्स होंगे ये तो टाइम बताएगा। अगर आपको याद हो मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि Realme एक नई सीरीज पे काम कर रहा है जिसमें Qualcomm Snapdragon 875 प्रोसेसर भी हो सकता है। क्या ये RMX2116 और RMX2117 उसी सीरीज को बिलोंग करते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा हमें वेट करने के बाद ही पता चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ है, आपको मैंने कल बताया था OnePlus अपना OnePlus 7T का एक लिमिटेड एक स्मार्टफोन, वन ऑफ अ काइंड स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। और फाइनली OnePlus ने लॉन्च कर दिया अपना OnePlus 7T कमेमोरेटिव एडिशन। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द OnePlus 7T स्पेशल एडिशन लुक्स लाइक। अंदर से सब सेम है, बाहर से डिजाइन चेंज हो चुका है और ये कलर वेरिएंट बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा OnePlus 7T का ये स्पेशल एडिशन कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ ट्रेडमार्क्स की बात करते हैं और ओप्पो से स्टार्ट करते हैं। ओप्पो ने एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया ओप्पो ग्लास का। ओप्पो ग्लास ऑफ कोर्स वीआर ग्लास हो सकते हैं ओप्पो की तरफ से, और यस इसके बारे में बहुत टाइम से बातें चल रही थी, अब लग रहा है कि जल्दी ही हमें ओप्पो ग्लास कमर्शियली भी देखने को मिल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ, वीवो ने एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है वीवो बुक। अगर आपने Vivo Book नाम सुना हो तो Vivo Book अभी के लिए Asus के लैपटॉप सीरीज का नाम है। Vivo खुद Vivo Book को यूज नहीं कर पा रहा था। Vivo Book जो है ना वो विदाउट स्पेस है, वो ये जो Asus ये जो Vivo ने फाइल किया है उसमें Vivo और Book के बीच में स्पेस है। अब देखते हैं कंफ्लिक्ट आता है कि नहीं आता, बिकॉज Asus का Zenfone सीरीज के बारी ऐसा हुआ था, बट Vivo ने अगर Vivo Book को ट्रेडमार्क किया है कंफ्लिक्ट तो बात की बात, बट यस Vivo के लैपटॉप हमें जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। और Vivo Book के साथ Vivo ने Vivo Game Box ये भी ट्रेडमार्क फाइल किया है। अगर आपको याद हो iQOO ने भी अपना iQOO Book, iQOO Pad और iQOO Game Box वगैरह को ट्रेडमार्क किया था, तो लग रहा है यहाँ पे कंपनी जो है जो पेरेंट कंपनी है वो भी सिमिलर फुटस्टेप्स पे काम कर रही है। और iQOO की तरफ से जो चीजें हमें देखने को मिलनी है वो Vivo की तरफ से भी हमें देखने को मिल सकती है। कैसा लगेगा आपको अगर Vivo अपने लैपटॉप्स लॉन्च करे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। एंड सैमसंग लॉन्च करने वाला अपना सैमसंग गैलेक्सी S20 FE या सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन। ये स्मार्टफोन अब IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है, दैट मींस एशियन कंट्रीज में भी ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं Huawei की तरफ। आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि Huawei का Mate 40 Pro स्मार्टफोन NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका था। अब ये स्मार्टफोन TKDN सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी आ चुका है, दैट मींस इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उनमें हमें Huawei Mate 40 Pro स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। ये खाली चाइना के लिए एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा, एशियन मार्केट्स में लॉन्च होगा ही होगा। इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा ये मैं आपको कंफर्म तरीके से अभी नहीं बता सकता। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। 22 सितंबर को जब ये पोको वगैरह भी लॉन्च कर रहे हैं अपना पोको X3, Xiaomi एक नया पावर बैंक लॉन्च करने की सोच रहा है। एंड पोको और Xiaomi के आजकल लॉन्च डेट्स बहुत क्लैश कर रहे हैं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। अब Xiaomi ये जो पावर बैंक लॉन्च कर रहा है, दिस कुड वेरी वेल बी द Mi पावर बैंक 3 जो चाइना में लॉन्च हुआ था उसके इंडिया में लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अच्छा खासा पावर बैंक है, अब देखते हैं कंपनी इंडिया में इसको किस प्राइस पे लॉन्च करती है। क्या ख्याल है वैसे आपका Mi पावर बैंक 3 के बारे में, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ। एंड Realme Narzo 20 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होने वाली है, और राइट अहेड द लॉन्च Realme Narzo 20 Pro। इसकी स्पेक्स तो मैं कर चुका था लीक, प्राइस भी बता दिया आपको, बट इसकी लाइव शॉट जो है ना वो कंपनी ने लीक कर दी इस बार ही। और कंपनी का कुछ ट्वीट्स वगैरह थे, उसमें एक फोन दिख रहा है साफ साफ लिखा हुआ साइड पे, बॉटम लेफ्ट साइड पे, Narzo by Realme एंड दिस स्मार्टफोन इज इंडीड द Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन। दिखा रहा हूं मैं आपको स्क्रीन पे, दिस इज व्हाट द Narzo 20 Pro स्मार्टफोन लुक्स लाइक। और वैसे कंपनी ने ना फ्लिपकार्ट पे ऑफिशियल पोस्टर वगैरह दिखा ही दिया है, बट ये एक्चुअल लाइव हैंड्स ऑन इमेज है और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। Narzo 20 Pro स्मार्टफोन ऐसा होगा। और यस, वन मोर थिंग, Narzo 20 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स में हमें एक नया वी फॉर विक्ट्री डिजाइन मिलेगा। ये जो वी सा होता है वो आपको तीनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाला है, और कंपनी अपनी लॉन्च इवेंट में ऐसी ही कुछ बातें करने वाली है। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ। एंड वन प्लस से खत्म करते हैं आज की न्यूज। वन प्लस 8T स्मार्टफोन इज फाइनली हैपनिंग। ईशान अग्रवाल और माई स्मार्ट प्राइस का एक कलैब एक्सक्लूसिव लीक है, वो कह रहे हैं कि वन प्लस 8T अक्टूबर 14th को इंडिया में लॉन्च होगा। अब देखते हैं रिपोर्ट कितनी सही है, बस मेरे को लग रहा है कि होना ही चाहिए 14th अक्टूबर को वन प्लस 8T लॉन्च। मैंने भी अपने सोर्स से कंफर्म करने की ट्राई की है, एंड दिस इज वेरी वेल गोइंग टू बी द लॉन्च डेट ऑफ द वन प्लस 8T स्मार्टफोन। अगर आप लोग वेट कर रहे थे वन प्लस 8T का, अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप वेट कर रहे हो स्पेसिफिकेशंस का, तो आई बिलीव आपको 14th अक्टूबर तक का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। Narzo 20 सीरीज होगी, Realme 7 की बारी चैलेंज किया था, Narzo हो गया, नेक्स्ट स्टेप विल बी OnePlus 8T, चैलेंज एक्सेप्टेड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। व्हिच स्मार्ट वॉच विल यू परचेज, ये मैंने आपसे पूछा था, Realme Watch S या Mi Watch। क्लियरली मेजॉरिटी कह रही है यहां पे दैट दे वुड बी इंटरेस्टेड इन द Realme Watch S। ठीक है, आपकी श्रद्धा नहीं, आपकी वो इच्छा सर आंखों पे, समथिंग लाइक दैट, चलो जो भी है समझ जाओ। और 65 वॉट्स वगैरह जैसे अब 15-16-17 हजार की रेंज में आपको देखने को मिल ही रहा है। सो फ्यूचर में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू बी देयर इन अ मिड रेंज स्मार्टफोन 10-20 हजार की रेंज में। अलग अलग आपको मैं यहां पे चॉइसेस दे रहा हूं, आप अपनी प्रेफर्ड चॉइस कम्युनिटी सेक्शन में जाके हमें पोल करके बता सकते हैं। और आज की वीडियो का क्विज आप लोगों के लिए है कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा। अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर हमें बता पाए तो आप घने होशियार। और वीडियो खत्म करते हैं कल के कमेंट्स के साथ। वुल्फ एंटरप्राइज कह रहे हैं वियर्ड बट ट्रू फैक्ट, क्वालिटी वॉज डिजाइन टू स्लो यू डाउन। ओ मतलब जानबूझ के टेढ़े मेढ़े जंबल कर रखे थे वो, तो लगा कि इंसान बेवकूफ बन जाएगा, बना नहीं, क्योंकि हम सारे घने होशियार हैं। ABCD होता मेरे को लग रहा है कि कितना मुश्किल होता अगर हम टाइप करते ABCD कीबोर्ड से, है ना। आपको कितने लोगों को वैसे बगैर देखे कीबोर्ड को पे टाइप करने की आदत है, जैसे मैं देखता भी नहीं, मैं ऐसे टाइप कर लेता हूं। कितने लोग देख के टाइप करते हैं और कितने लोग बिना देखे टाइप करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी टाइप हमें बता सकते हैं। वाह, निमिष जी कह रहे हैं फॉर नो रीजन आई एम कमेंटिंग हियर, थैंक्स अ लॉट ब्रदर। एंड आज भी ऐसी बिना मतलब के कमेंट मार दो, क्या जा रहा है, कुछ SMS तो ना कि 1 रुपया लग जाएगा, कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते, जी भर के कमेंट करो। राजकुमार जी कह रहे हैं होप यू रीच डेफिनेटली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आई जस्ट लाइक योर एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट ब्रदर। एंड 1 मिलियन तो बहुत दूर है अभी, अभी के लिए टारगेट हमारा है 100K का। बहुत टाइम से बोल रहा हूं, पीछे हमारा जो वो होता है सिल्वर बटन, उसका
तहे दिल से हम लोग वेट कर रहे हैं। सो यस, ट्राई कीजिए वीडियोस को जितना आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, काम वगैरह, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। और आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ। हर्षराज सिंह जी कह रहे हैं, मुकुल भैया से समथिंग पॉजिटिव, साइंस स्टूडेंट्स प्रोटॉन। और वीडियो खत्म करते हैं स्टफ यू शुड नो के साथ। आकाश जैन जी कह रहे हैं, संस्कृत The ancient Hindu language is the most suitable language to develop computer programming for artificial intelligence program. This is some interesting fact and a proud fact and a true fact. अगर आपको आकाश जैन जी का ये कमेंट पसंद आया, आप जाके उनको एक थम्स अप दे सकते हैं। So there you go guys, ये थी सुबह के टेक स्टफ। सैटरडे आ चुका है, शाम को टेक स्टफ आपको मिलेगी, बट उसके बाद होगी इंटरेस्टिंग चीजें। संडे स्टफ के लिए Q&A वाला पोर्टल भी आज खुल जाएगा एंड इट्स गेम नाइट फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा जाए। अगले हफ्ते बहुत सारे लॉन्चेस हैं, अगले हफ्ते की 2-3 इवेंट्स को तो लीक हम कर चुके हैं, बाकी इवेंट्स को शायद अनबॉक्स करेंगे, बाकी जो बच गई उनको लीक भी कर देंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन डू इट राइट अवे। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस। चलो।